नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति। खबर सीहोर जिले के रेड्डी तहसील में स्थित मां बिजासन माता के इतिहास को लेकर है। आइए चर्चा करते हैं बिजासन माता के इतिहास पर। मां बिजासन प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर मंदिर लगभग 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है। मां बिजासन देवी, यह देवी माँ दुर्गा का अवतार है। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ वर्षों में सड़क मार्ग भी बना दिया गया है। यहां पर दो पहिया और चार पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है। यह रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। पुराणों के अनुसार देवी बिजासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। माता कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद देती हैं, वहीं भक्तों की सोनी गोद भी भरती हैं। भक्तों की श्रद्धा है कि इस देवी धाम का महत्व किसी शक्ति पीठ से कम नहीं है। स्वयंभू से प्रकट हुई मां विजयासन देवी माता पार्वती हैं, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। भक्त कहते हैं कि एक मंदिर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने का सभी को सौभाग्य मिलता है। यहाँ रुकने, खाने सहित सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही सड़क मार्ग सहित दर्शनार्थियों को सीढ़ी से पहाड़ी पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ भक्त पद यात्रा करके भी पहुँचते हैं। आपको बता दें, यहाँ के भक्तों का मानना है कि माता रानी के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी एक कहानी और भी प्रचलित है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जंगल में बंजारों के पशु गुम हो गए थे। उन्होंने जंगल में बहुत खोजे पर नहीं मिले। फिर जिस जगह माता का मंदिर है, वह एक कन्या के दर्शन देकर कहा, तुम्हारे पशु उस दिशा में मिलेंगे। कन्या की बात सच निकली, तभी से इस जगह पूजन शुरू हुई। पहले छोटी सी मड़िया हुआ करती थी, अब जैसे जैसे विकास हुआ और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। आपको बताते चले कि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब रक्त बीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर जब देवता देवी की शरण में पहुंचे, तो देवी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर रक्त बीज का संहार कर उस पर विजय पाई। माँ भगवती की इस विजय पर देवताओं ने जो आसन दिया, वह ही विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ। माँ का यह रूप विजयासन देवी कहलाया। मंदिर निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 300 वर्ष पूर्व बंजारों द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर निर्माण और प्रतिमा मिलने की इस कथा के अनुसार पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके। अचानक उनके पशु अदृश्य हो गए और बंजारे पशुओं की तलाश में निकले, तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक बालिका मिली। बालिका के पूछने पर उसने सारी बात कही। तब बालिका ने कहा कि आप यहाँ देवी के स्थान पर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बंजारे ने कहा कि हमें नहीं पता है कि माँ भगवती का स्थान कहाँ है। तब बालिका ने संकेत स्थान पर एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर पत्थर फेंका, वहाँ माँ भगवती के दर्शन हुए। उन्होंने माँ भगवती की पूजा अर्चना की। कुछ ही क्षण बाद उनके खोए हुए पशु मिल गए। मनोकामना पूरी होने पर बंजारों ने मंदिर का निर्माण करवाया। यह घटना बंजारों द्वारा बताए जाने पर लोगों का आना शुरू हो गया और वे भी अपनी मनोकामना लेकर आने लगे। जय माता दी, जय माता दी। कौन है?
भाई इनकी क्यों दे, हमारी देनी हम जा। हमारी फोटो ले ली, वीडियो में नहीं आई। मैं चल जाऊँ आगे, चलती जाऊँगा भीड़ में नीचे। नहीं हाँ, जब बना जाए कैमरा हम चलवा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।